हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरा पूजा पाठ से आज है ब्लॉग शुरू हुआ है और मेरा घी के डब्बा में घी खत्म हो गया था, तो मैं घी मंगवाई थी, तो अभी सोची कि पहले यहाँ पर वही घी के डब्बा में ही रख दिया जाए, नहीं तो फिर खोलूँगी अभी दीपक जलाने के लिए और छोड़ दूँगी तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो पहले मैं डब्बा में घी कर ली और उसके बाद अभी आगे का जो पूजा वगैरह है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से कि एक आसन लेकर आऊँगी मार्केट से, लेकिन पहले भी नहीं लाई और अभी बारिश हो रहा है तो निकल नहीं पा रही हूँ शाम के टाइम, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, अभी यही जो है उसी पर बैठ के कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पर मेरा प्रसाद वगैरह मैं चढ़ा ली, अभी थोड़ा सा दीपक दिखाकर और फिर मैं बाहर जाकर भी शिवलिंग बनाकर आ गई हूँ, शिवलिंग का भी पूजा कर ली गमले में, जो सावन में अभी वो शिव पुराण में बताते हैं वो मैं कर ली हूँ गमले का पूजा। और फिर यहाँ पर भी मेरा हो गया पूजा वगैरह, तो मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन बैठकर कर लेती हूँ, नाम जाप कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं शिव पुराण भी डेली पढ़ती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा गाइज, और चैनल पर आप लोग ब्लॉग देख ही रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। कि क्या गति हुई अदि वृतान शंभु की कथा से संबंध रखने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रिया आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करती हूँ। और मेरा पूजा हो गया, नाश्ता भी मैं कर ली हूँ, अभी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई, ऐसे ही है देख सकते हैं। और मेरा बिंदी देखिए किधर आके लगा हुआ है, देखिए मेरा बिंदी कहाँ आके लगा हुआ है, नहाई हूँ तभी से लगा हुआ। चेहरा भी कैसा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ ना, क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं, नहा कर सीधे पूजा करने लगी थी। देखिए अभी तक मेरा दीपक जल ही रहा है क्योंकि मैं भर दिया घी कर देती हूँ ना, तो दीपक जलते रहता है। देखिए भर दिया घी कर दी हूँ तो अच्छी बात है, दीपक जलना चाहिए। और चलिए बालकोनी में दिखाती हूँ जो महादेव को बना। और यहाँ भी देखिए शिवलिंग बनाई हूँ, पूजा हो गया है यहाँ भी, अभी 20-25 मिनट होगा तो इनको विसर्जन कर देंगे। अभी 15 मिनट हुआ है, मैं टाइम देखकर पक्का 20-25 मिनट में विसर्जन कर देती हूँ, तो वही अभी होगा टाइम तो विसर्जन करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी और थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा कर मिलती हूँ क्योंकि चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप लोग कहेंगे कैसा कैसा चेहरा लेके ब्लॉग स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्या करें, इंडियन मॉम हाउस वाइफ का यही सब रहता है, पूरे दिन का इतना काम रहता है छोटा मोटा कि अपने ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल मतलब भूल ही जाती है। लेकिन चलिए मैं आती हूँ थोड़ा सा फिट फाट होके। और मेरा मलाई में से मक्खन निकालना था कल रात में, मैं इसमें दही डालकर और इसको मतलब हम लोग तरफ बोलते हैं ना, हम लोग तरफ क्या सभी के तरफ की खाली मलाई को मतलब मक्खन को नहीं मह कर पिघलाना चाहिए, तो इसमें जोरन जरूर डालना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो मलाई निकालती हूँ 8 दिन के उसमें रात में दही डाल देती हूँ और फिर सुबह इस तरह से मलाई से मक्खन निकाल लेती हूँ और जल्दी ही निकल जाता है। और मलाई से मक्खन निकालने के आधा घंटा पहले मैं फ्रिज से इसको बाहर निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और अभी देखिए मेरा मलाई निकल गया, बहुत जल्दी निकल जाता है, मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ और फिर इसको अभी पिघला दूंगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होऊंगी और भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाने के कोशिश करूंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दीजिएगा।
चैनल को और ब्लॉग को। और यहाँ पर देखिए मेरा ये मक्खन निकल गया, तो फिर मैं इसको अभी पिघलाने के लिए आ गई किचन में। और मैं ना, मेरा एक आदत है कि मैं किचन में ना मतलब एक काम नहीं करती हूँ, मेरा यही बुरा आदत है, मैं साथ साथ में दोनों काम करते रहती हूँ। क्योंकि मुझे ना इस तरीके से किचन में एक काम करने में अच्छा नहीं लगता है कि एक काम करो फिर अगला काम के लिए इंतजार करो। मुझे लगता है कि इतना देर में मेरा दो काम जब निबट जाएगा तो एक काम करने से क्या फ़ायदा। तो देखिए उधर मैं घी भी पिघलने के लिए दे दी हूँ, और इधर तब तक मैं सोची कि कुकर में दाल भी रख देती हूँ ताकि मेरा दाल भी बन जाएगा। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो मैं सोची दाल बनाकर रख दूँगी और चावल फिर 2 बजे बनाऊँगी। और आज हस्बैंड सत्तू के पराठा खा कर गए थे तो इसलिए मैं सुबह में दाल नहीं बनाई थी, बोले कि नहीं दाल नहीं बनाना छोड़ दो, तो इसीलिए मैं दाल अभी दोपहर में बनाऊंगी। और सब्जी मेरा बना हुआ है क्योंकि सब्जी रोटी लेकर गए थे नाश्ता में और सत्तू के पराठा खा कर गए थे, तो सब्जी तो बना है तो अभी दाल चावल बनाऊंगी। और देखिए फिर मेरा थोड़े देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, घी भी बन गया दाल भी बन गया। तो अभी तो मतलब कुछ मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करना है वो सब करूँगी, फिर थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग का देखूँगी क्या करना है नहीं करना है। और मेरा दीपक अभी तक जल ही रहा है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।